हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ फ्रेंड पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन B12 की कमी से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं स्टार्ट। विटामिन B12, कई बार लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता है कि उनके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे कि विटामिन B12। विटामिन B12 भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन जिन लोगों में इसकी कमी हो जाती है, कई बार वो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। विटामिन B12 एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में एक अच्छा आवश्यक भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति के आहार में विटामिन B12 की कमी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। आमतौर पर शाकाहारी लोगों के शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पोषक तत्व मुख्य रूप में मांस, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। जानिए शरीर में इस विटामिन बी की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे करें इस कमी को पूरा। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगा कि विटामिन B12 की कमी हो जाने से हमारी बॉडी किन किन बीमारियों से ग्रस्त हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से लोग कई बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। सावधानी नहीं बरतने पर ये समस्याएं गंभीर भी हो सकती हैं। इस विटामिन की कमी से लोगों के शरीर में खून कम बनने लगता है, जिससे एनीमिया की परेशानी हो जाती है। इसके अलावा इसकी कमी से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है, हमारी हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, जो कि कमर दर्द और पीठ में दर्द का कारण बन सकती है आगे जाके। शरीर में विटामिन B12 कम बनने से हमारे माइंड पर, मस्तिष्क पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इससे भूलने की बीमारी भी हो सकती है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप सभी समझ चुके होंगे एक अच्छी बॉडी के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन B12 कितनी अच्छी भूमिका निभाता है, इसकी भूमिका कितनी अहम है। तो आगे मैं बताना चाहूँगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माएँ जो वेजिटेरियन हो, उनमें इस विटामिन की कमी देखने को मिलती है। इस कमी को अगर समय रहते पूरा नहीं किया गया तो जच्चा बच्चा, जिसका मतलब है माँ और बच्चा, दोनों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा महिला में विटामिन B12 की कमी से अस्थाई बांझपन की समस्या भी आ सकती है। तो आगे हम जानेंगे कैसे करें इस कमी को पूरा। ये विटामिन मुख्य रूप से मांसाहारी भोजनों में पाया जाता है। ऐसे में लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड्स को तरजीह देना चाहिए। टूना एक फैटी फिश है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन B12 होता है, जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। अंडा विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है। शोध से पता चला है कि अंडे की सफ़ेदी की तुलना में अंडे की जर्दी, उसमें विटामिन B12 का उच्च स्तर पाया जाता है। इसके अलावा चिकन में भी उच्च मात्रा में विटामिन B12 होता है। वही शाकाहार लेने वाले लोग अपनी डाइट में पनीर और दूध को शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 कप दूध आपके शरीर को लगभग 20% विटामिन B12 पहुँचाने में मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड के साथ। आपके लिए मैं दोबारा नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। कल दोबारा फिर से मिलते हैं। ओके, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।